वेलकम गाइस आज हम कंप्यूटर पे वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हमारी कंप्यूटर पे पहली वीडियो है और इसमें आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हैं आपके सामने कंप्यूटर इंट्रोडक्शन करैक्टर्स ऑफ कंप्यूटर जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर ये जो चार टॉपिक हैं इन चार टॉपिक की डिटेल हम आज जानेंगे और इन चार टॉपिक के बारे में आपको कितनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो आपको बताई जाएगी तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि सबसे पहले कंप्यूटर वर्ड जो है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है लैटिन का एक वर्ड है जिसको कहते हैं कंप्यूटर से ये लिया गया है जिसका मतलब है कैलकुलेट तो ये वर्ड आपको ये आपको सीधा बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी हैं जैसे कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है से और इसका मतलब क्या था कैलकुलेट दूसरा पॉइंट है यहाँ पर फादर ऑफ़ कंप्यूटर फादर ऑफ़ कंप्यूटर कौन है चार्ल्स बबेज सबको पता है चार्ल्स बबेज फादर ऑफ़ कंप्यूटर है और इसने डिफरेंस इंजन जो है ये कंप्यूटर बनाया था 1822 में इसके अलावा एनालिटिकल इंजन एक और कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने अठारह सौ पैंतीस में बनाया था उसके बाद अगर हम बात करें फादर ऑफ़ मॉडर्न कंप्यूटर जो है एलन ट्यूरिंग एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ़ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है या फिर फादर ऑफ़ कंप्यूटर साइंस भी एलन ट्यूरिंग को ही कहा जाता है इसके बाद अगर हम बात करें इसके बाद बात करें फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया सिद्धार्था सिद्धार्था जो है ये फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया है और इसके बाद फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सब फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया परम परम एट थाउजेंड एट ट्रिपल जीरो को कहा जाता है ये आपको याद रखना है सो so यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सिंपल सी चार बातें हैं मैं वीडियो में ये आपको नहीं बता रहा हूँ कि वीडियो आप देखो और चले जाओ आपको वीडियो देखनी है और साथ में याद भी करना है चार चीज़ें हमने यहाँ पर देखी कंप्यूटर लैटिन वर्ड लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है जिसका मतलब है कलक्यू लेट फादर ऑफ कंप्यूटर चार्लस बेबेज है इसने डिफेंस इंजन अठारह में बनाया था फादर ऑफ़ मॉडर्न कंप्यूटर एल एन ट्यूरिंग को कहा जाता है फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया सिद्धार्था है और फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया एट थाउजेंड है फिर तो इसके बाद हम बात करें फीचर्स ऑफ कंप्यूटर करैक्टरस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर की करैक्ट्रिस्टिक्स एग्ज़ाम में करैक्ट्रिस्टिक्स में से ये जो तीन पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले पॉइंट नंबर फोर आप देखें वर्सलिटी एंड देन पॉइंट नंबर सिक्स इंटेलिजेंस एंड पॉइंट नंबर एट रिलायबिलिटी तो ये तीन पॉइंट्स कंप्यूटर के करैक्टर्स पूछे जाते हैं इनकी डेफिनेशंस एग्ज़ाम में पूछी जाती है बाकी में से कुछ खास नहीं पूछा जाता सबसे पहले हम बात करें अगर यहाँ पर स्पीड की तो स्पीड जो है कंप्यूटर की बहुत फास्ट होती है और मेजर जो करते हैं स्पीड प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर की स्पीड वो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड ये पॉइंट याद रखना इसको मिप्स भी कहा जाता है एम आई पी एस मिप्स बस ये पॉइंट आपको याद है स्पीड से मिप्स स्पीड जो है किस में मेजर की जाती है मिप्स में ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड्स मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड एक्यूरेसी कंप्यूटर बहुत ही एक्यूरेट है हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी शो करता है जैसी इनपुट आप दोगे वैसा ही आउटपुट आएगा इनपुट में गलती अगर करोगे तो आउटपुट में ही गलती आएगी अदरवाइज एक्यूरेसी रहेगी उसके बाद स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज जो है कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पे डिपेंड करेगी जितनी आपकी हार्ड डिस्क होगी उस हिसाब से वो स्टोर करेगा तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका वर्सलिटी वर्सलिटी का मतलब है कंप्यूटर जो है डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क सेवन uh, टेंसली करता है यानी बहुत सारे काम एक वक्त में एक टाइम में बहुत सारे काम वो कर सकता है मल्टीपल टास्किंग तो इसका वर्सलिटी का इजी मीनिंग याद रखना वो है मल्टी टास्किंग तो ये आपको याद है मल्टी टास्किंग वर्सलिटी मल्टी टास्किंग वर्सलिटी क्या मल्टी टास्किंग तो कंप्यूटर मल्टी टास्किंग होता है इसको वर्सलिटी कह, कहते हैं ऑटोमेशन तो ऑटोमेशन कंप्यूटर ऑटोमेशन तो होती है ऑटोमेटिकली ये वर्क करता है आप जो भी इनपुट दोगे वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस करके आउटपुट आपको देगा उसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया है डिलीजेंस डिलीजेंस का मतलब है कि कंप्यूटर इंसानों की तरह ह्यूमन लाइक नहीं होता किस केस में ये पॉइंट याद यहना इट इज़ फ्री फ्राम मोनोटोमी टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कंसनट्रेशन तो इसका सिंपल मीनिंग याद यहना ये फ्री फ्राम इट इज़ फ्री फ्रॉम टाइडनेस तो थकता नहीं है कंप्यूटर डिलीजेंस का मतलब क्या है कि कंप्यूटर थकता नहीं है और कंसंट्रेशन लैक नहीं करता कंसंट्रेशन इसकी बनी रहती है इंसानों की तरह नहीं ये होता है. ये डिफरेंस है इंसान और कंप्यूटर के अंदर तो आपने ये मैं तीन पॉइंट करेक्टर्स के आपको बोला है याद रखने हैं वर्सलिटी का मतलब है, मतलब है मल्टी टास्किंग डेलीजेंस का मतलब है अपना फ्री फ्रॉम टाइडनेस थकता नहीं है डेलीजेंस मीन थकता नहीं है रिलायबिलिटी का मतलब है यहाँ पर कि कंप्यूटर जो है वो एररलेस होता है एरर लेस यानी एरर गलतियाँ कंप्यूटर नहीं करता अगर इनपुट सही दोगे यानी टू प्लस टू अगर इनपुट आप दे रहे हो तो कंप्यूटर फोर ही बताएगा तो कंप्यूटर एरर्स नहीं करते तो एरर लेस लेस्पॉसिबिलिटी एरर जो है बहुत कम होती है रॉन्ग जानी गलती नहीं करते कंप्यूटर जब तक आप इनपुट डालने में गलती ना करो तो कंप्यूटर गलती नहीं करता ये तीन पॉइंट आपने करैक्टर में याद रखना तो ये हमारा दूसरा टॉपिक आज का पहले हमने क्या आपको बताया कि आज हम ये चार टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं पहले था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर दूसरा करैक्टर्स इंट्रोडक्शन और करेक्टर आपके हो गए इंट्रोडक्शन में आपने कंप्यूटर लैटिन लैंग्वेज से लिया है जिसका मतलब कैलकुलेट कैलकुलेट है फादर ऑफ़ कंप्यूटर चार्लेस बेबेज को कहा कहते हैं उसने डिफ्रेंस इंजन भी बनाया है एनालिटिकल इंजन भी बनाया है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया सिद्धार्थ है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया परम एट थाउजेंड है याद रखना सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया परम एट थाउजेंड परम एट थाउजेंड करैक्टर्स की बात करें स्पीड जो है मेजर मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड्स में की जाती है मिप्स में मिप्स में एक्यूरेसी स्टोरेज ये सिंपल है वर्सलिटी का मैंने कहा मल्टी टास्किंग क्या है कंप्यूटर इज़ मल्टी टास्किंग ऑटोमेशन है सिंपल सी बात है डिलीजेंस क्या है मैंने कहा था फ्री फ्रॉम टाइडनेस थकता नहीं है कंप्यूटर फ्री फ्रॉम टाइडनेस लैक ऑफ कंसनट्रेशन नहीं होती कंसनट्रेशन uh, कम नहीं होती कंप्यूटर्स की रिलायबल रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी का मतलब है यहाँ पर कि एरर फ्री कंप्यूटर इज एरर फ्री प्लग एंड प्ले है यानी जब कोई भी सॉफ्टवेयर आप डालते हो तो उसी हिसाब से वो चलेगा तो ये था आपके करेक्टर्स अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखो बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी एक एक घंटे की जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे सिर्फ पाँच मिनट आप मुझे दे दो और देखो आपको मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें करनी हैं देखो जो हम गाइड कंप्यूटर वीडियोस बनाते हैं वो हम सिर्फ गाइड कर रहे हैं आपको पढ़ना आपको है याद आपको रखनी चीज़ें लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर हम आपको बताएँ कि क्या चीज़ें आपको ज़रूरी हैं एग्ज़ाम के लिए एम टाइप एग्ज़ाम के लिए अब को यूट्यूब पर आप सर्च मारो कोई बिलियंस ऑफ आपको वीडियोस मिलेंगी मैंने भी जब एग्ज़ाम क्वालिफाई किया अकाउंट असिस्टेंट पंचायत का तो ऐसी कोई वीडियो नहीं होगी यूट्यूब पे जो मैंने ना देखी हो हर एक टॉपिक पे कम से कम पचास सौ वीडियो हम देखते थे लेकिन मुझे इसलिए वीडियो मैं बना रहा हूँ कि मुझे बड़ा अफसोस होया हुआ कि यूट्यूब चैनल्स वाले जो है बहुत मज़ाक कर रहे हैं आप लोगों के साथ इसलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया कि आपको बताया जाए कि क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है तो आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के रिलेटेड क्या क्या चीज़ें मालूम होनी चाहिए सबसे पहला पॉइंट आता है जनरेशन पाँच हैं जनरेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव ठीक है पाँच जनरेशन का जो टाइम पीरियड है ये डिफरेंट बुक्स पे डिफरेंट जगह जगह पे अलग अलग डेट्स दी हुई है तो एक अप्रेक्सीमेट आइडिया इसका रखना जैसे कि फर्स्ट जनरेशन बतालीस उन्नीस सौ से फिफ्टी uh, तक है सेकेंड फिफ्टी से सिक्सटी सिक्सटी फाइव से सेवेंटी फाइव थर्ड फोर्थ जो है सेवेंटी फाइव से एटी एट और सिक्स जो है फिफ्थ जो है सॉरी नाइनटी नाइनटीन एटी एट से प्रेजेंट तो मैं इसको थोड़ा सा क्रैक्ट करा दूँ जो मोस्ट अप्रोपेबल डेट्स हैं इसकी बतालीस से लेकर उन्नीस सौ बतालीस से लेकर आप रख लो साठ तक साठ से लेकर इकहत्तर तक सेवेंटी वन तक आप रख लो सेकेंड जेनेशन और थर्ड जनरेसन सेवेंटी वन से एटी फाइव तक एटी फाइव के बाद जो है फोर्थ और फाइव जनरेशन दोनों अभी चल रही हैं इस तरह से आप डेट याद रखें तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका है हार्डवेयर के रिलेटेड तो आपको इमेज भी दी हुई है हार्डवेयर की ये सबको आलमोस्ट सबको याद होती है ये चीज़ें फर्स्ट जनरेशन में जो हार्डवेयर यूज़ किया जाता था कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए तो वो होता था आपका वैक्यूम ट्यूब वैक्यूम ट्यूब्स ठीक है फर्स्ट जनरेशन में क्या था वैक्यूम ट्यूब सेकेंड जनरेशन में क्या ट्रांसिस्टर फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब सेकंड जनरेशन में ट्रांसिस्टर फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब सेकंड में ट्रांसिस्टर थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट आईसीज 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 कौन से जनरेशन में यूज <coughs> हुए थे थर्ड जनरेशन में फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वीएलएसआई एल माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आ गए थे तो फिफ्थ जनरेशन अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल हुए हैं तो ये आपको याद है क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा हार्डवेयर यूज़ किया गया था वैक्यूम ट्यूब सेकंड में ट्रांसिसटर थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट फोर्थ में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या इसको पूछा जाता है ये क्वेश्चन आप अक्सर पूछा जाता है कि माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन से शुरू किए गए माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन फोर्थ फोर्थ जनरेशन से शुरू किए गए ये आपको याद रखना है फर्स्ट टेंस पहली बार माइक्रो माइक्रोप्रोसेस कौन सी जनरेशन में आए फोर्थ जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब ट्रांसिस्टर इंटीग्रेट सर्किट वीएलएसआई यूएलएसआई ठीक है तो आपको ये याद रखनी है सबसे पहले इसको दो तीन मिनट लगाना है उसके बाद ये मैंने पॉइंट ऐड किया है बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है स्पीड तो स्पीड की बात करें फर्स्ट जनरेशन में जो स्पीड मेजर स्पीड जो थी कंप्यूटर की वो माइक्रो सेकंड्स में थी सेकंड में सेकंड जनरेशन भी माइक्रो सेकंड्स में ही स्पीड माइक्रो सेकंड स्पीड थी और थर्ड में नैनो सेकंड्स और फोर्थ में पिको सेकंड तो आपको ये बता दूँ फर्स्ट में माइक्रो सेकंड सेकंड में भी माइक्रो सेकंड थर्ड में नैनो नैनो सेकंड्स और फोर्थ में पीको पी ई सी ओ पीको सेकंड और फिफ्थ में फेंटो ये उससे भी छोटी टर्म है फेंटो पीको से भी माइक्रो से छोटी नैनो देन पीको देन फेंटो तो ये आपको याद रखना है स्पीड स्पीड स्पीड, स्पीड फर्स्ट जनरेशन माइक्रो सेकंड माइक्रो थर्ड नैनो फोर्थ पीको फाइव फेंटो तो ये आपको ईजीली याद है और अब हम बात करते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट जनरेशन के रिलेट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं करैक्टिस्टिक्स मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बताता हूँ दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हर एक जनरेशन में याद रखने हैं पहला पॉइंट करैक्टस्टिक्स की मैं बात कर रहा हूँ करैक्टिस्टिक्स की पहला पॉइंट कि लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था सेकंड जनरेशन में असेंबली यहाँ पर लिखा नहीं है तो सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था असेंबली लैंग्वेज और तीसरी जनरेशन्स में जो है डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस आ गई थी जैसे कि पास्कल वगैरह बेसिक एल्गोरिथम वगैरह आ गई थी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं ध्यान से सुनना पहला आपको करेक्टर याद है लैंग्वेजेस लैंग्वेजेस कंप्यूटर लैंग्वेज पहली जनरेशन में मशीन लैंग्वेज दूसरी में असेंबली लैंग्वेज लिखा नहीं है यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट असेंबली लैंग्वेज फोरटीन फोटीन जो है फर्स्ट असेंबली लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं एच एल एल हाई लेवल लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज ये लो लेवल लैंग्वेज है ट्रिपल एल ठीक है फर्स्ट जनरेशन में ट्रिपल एल लो लेवल लैंग्वेज दैट इज़ मशीन लैंग्वेज यूज़ में आती थी सेकेंड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज और इसको हम असेंबली लैंग्वेज भी कहते हैं असेंबली लैंग्वेज जो है सॉरी <coughs> सेकेंड में असेंबली लैंग्वेज और थर्ड से हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल में आती हैं फोटेन जो है फोटेन फोटेन फोट्रेन फार्मूला ट्रांसलेशन इसकी फुल फॉर्म है फोर्ट्रेन तो ये एक असम्बली लैंग्वेज है जो सेकंड जनरेशन में यूज़ में आई थर्ड में पास्कल हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई पास्कल बेसिक एल्गोरिथम वगैरह आ गई थी और उसके बाद जो है सी फोर्थ जनरेशन में सी सी प्लस प्लस डाटा वगैरह और फाइव में जावा नेट वगैरह जावा सी प्लस प्लस के साथ जावा नेट लैंग्वेज भी आ गई तो मैंने कहा करेक्टरिस्टिक्स में आपको पहला पॉइंट क्या याद रखना है लैंग्वेज फर्स्ट मशीन लैंग्वेज सेकेंड असेंबली लैंग्वेज थर्ड हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक पास्कल बेसिक एल्गोर फोर्थ सी सी प्लस डाटा बेस डी बेस फाइव सी प्लस सी सी प्लस एंड जावा नेट जावा एंड नेट ठीक है तो ये एडवांस लैंग्वेज है तो ये आपको तो याद रखना है इसके बाद दूसरा पॉइंट जो करेक्टरस्टिक्स का आपको याद रखना है वो है आपका यहाँ पर वर्किंग के रिलेटेड तो पहले सिंपल वर्किंग हुआ करती थी एक टाइम एक ही काम हुआ करता था फर्स्ट जनरेशन में ठीक है दूसरी जनरेशन में बैच प्रोसेसिंग आ गई क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बैच प्रोसेसिंग जो है कौन सी जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुई तो बैच प्रोसेसिंग जो है सेकंड जनरेशन से इंट्रोड्यूस है तो बैच प्रोसेसिंग यानी एक वक्त में बैचेस यानी कंप्यूटर काम को बैच में डिवाइड करता था यानी पचास काम है दस दस के बैच बनाकर काम करता था कंप्यूटर बैचेस में काम करता था इसको बैच प्रोसेसिंग कहते हैं ठीक है नंबरिंग थी यानी ये पहले ये काम फिर ये काम फिर ये काम फिर ये काम ठीक है तो अब जो है जैसे आज की बात करें तो आज डिफरेंट काम एक ही टाइम में कंप्यूटर कर सकता है तब ऐसा नहीं था तब वो बैच बनाकर नंबरिंग देकर उसको करता था बैच प्रोसेसिंग कौन सी जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुई सेकंड जनरेशन बैच प्रोसेसिंग सेकंड जनरेशन में ठीक है थर्ड जनरेशन में अब क्या वा? एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट थर्ड जनरेशन का यही इसके रिलेटेड थर्ड जनरेशन में टाइम शेयरिंग जो है थर्ड जनरेशन में टाइम शेयरिंग आ गया एंड मल्टी प्रोग्रामिंग बहुत सारे काम एक टाइम में और टाइम शेयरिंग टाइम शेयरिंग ये पॉइंट याद रखना टाइम शेयरिंग टाइम शेयरिंग कौन सी जनरेशन में थर्ड में टाइम शेयरिंग यानी हर एक काम के लिए टाइम फिक्स हो गया इतने टाइम में इतना काम इतना काम ऐसे करके होता था टाइम शेयरिंग उसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ जनरेशन में टाइम शेयरिंग रियल टाइम नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा यानी इसको मैं थोड़ा सा एलेब्रेट कर देता हूँ टाइम शेयरिंग कौन में किस में आया थर्ड में थर्ड जनरेशन में टाइम शेयरिंग फोर्थ में टाइम शेयरिंग के साथ साथ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जी यू आई ये पॉइंट आप याद रखना है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सॉरी कहा गया ग्राफिकल यूज़र ये है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जी यू आई जो इंट्रोड्यूस हुआ टाइम शेयरिंग के साथ साथ इसको रियल टाइम शेयरिंग नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम भी कहते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कब से ऑपरेटिंग सिस्टम ओ एस में इस ऑपरेटिंग सिस्टम ये ग्राफिकल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये फोर्थ जनरेशन से फोर्थ जनरेशन से स्टार्ट था इसके बाद हम बात करें फिफ्थ जनरेशन फाइव जनरेशन में पैरेलल प्रोसेसिंग जो है यानी एक टाइम में बहुत सारे काम पैरेलल प्रोसेसिंग यहाँ पर फिफ्थ जनरेशन में पैरेलल प्रोसेसिंग चली और इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स यहाँ पर आ चुका है फिफ्थ जनरेशन में तो ये आपने याद रखना है ठीक है क्या मैंने आपको बताया अभी तक जनरेशन में कि सबसे पहले आपको हार्डवेयर वैक्यूम ट्यूब ट्रांसिस्टर आई सी वी एल एस आई यू एल एस आई आपको ये पाँच जनरेशन का याद रखना है इसके बाद स्पीड माइक्रो माइक्रो नैनो पिको फेंटो ठीक है इसके बाद करैक्टर्स दो दो आपको याद किया पहले लैंग्वेज और दूसरा प्रोसेसिंग लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज दूसरे में असेंबली लैंग्वेज तीसरे में हाई लेवल तीसरे के बाद हाई लेवल चौथे में हाई पाँचवें में हाई लेकिन हाई लेवल कौन सी थर्ड में थर्ड में कौन सी थी पास्कल बेसिक बैस, एल्गोरिथम फोर्थ में फोर्थ में सी सी प्लस डी बेस फाइव में सी सी प्लस जावा नेट ठीक है लैंग्वेज हो गया और नेक्स्ट दूसरा पॉइंट मैंने कहा आपको प्रोसेसिंग पहले में सिंपल प्रोसेसिंग था और sim, दूसरे में बैच बैच प्रोसेसिंग बैच प्रोसेसिंग तीसरे में टाइम शेयरिंग टाइम शेयरिंग ठीक है तीसरे में टाइम शेयरिंग फोर्थ में फोर्थ में टाइम शेयरिंग विद विद जी यू आई ग्राफिक यूजर इंटरफेस ठीक है ग्राफिक यूजर इंटरफेस के साथ टाइम शेयरिंग थी और डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम था और लास्ट में पैर प्रोसेसिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पैर प्रोसेसिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये इस तरह करके आपको ये करैक्टर्स कंप्यूटर की जनरेशन के याद रखने हैं ओके और जहाँ तक बात आएगी एग्जाम्पल्स की यानी कौन कौन से तरह के कंप्यूटर्स थे तो ये आपको फर्स्ट जनरेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट जनरेशन में आपको याद रखना है और इनकी फुल फॉर्म भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा ये जो कंप्यूटर्स हैं एक सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है वो इन एक है तो इसके बाद यूनिवेक एडवेक एडसैक और आईबीएम बी सेवन ज़ीरो वन तो ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की बात करें आई बी अल्टास हनी हनी वेल फोर वो मोटे मोटे इंपॉर्टेंट पॉटेंट आपको हनी वेल फोर थाउजेंड अल्टासन आई बी एम सेवन थाउजेंड उसके बाद आपको याद रखना कि इसमें कोई इंपॉर्टेंट अभी तक नजर नहीं आ रहा फोर्थ का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद है क्रे फर्स्ट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों लिखा है तो आपको फोर्थ जनरेशन में करे फर्स्ट याद रखना है ठीक है क्रे फर्स्ट करे फर्स्ट फोर्थ जनरेशन में ये आपको दिख रहा होगा करे फर्स्ट करे फर्स्ट यहाँ पर फोर्थ जनरेशन में कम्प्यूटर आपको याद रखना है ये लगभग 1971, 1971, 1971 में सेवेंटी वन नाइनटीन में इंट्रोड्यूस हुआ था करे आ, फर्स्ट तो इसके बाद एप्पल भी आ गया था मैकेंटोश तो उसके बाद डिफरेंट तरह के कंप्यूटर फ्यूचर जनरेशन में आज पाए जाते हैं तो ये आपको कुछ कंप्यूटर्स के नाम याद रखने हैं दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम द जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर ठीक है आपको समझ गया क्या करना है पहले ये पाँच पॉइंट हार्डवेयर के वैक्यूम ट्यूब ट्रांसिस्टर इंटीग्रेशन सर्किट वी एल एस आई यू एल एस आई फिर स्पीड एम एम एन पी एफ और उसके बाद टू पॉइंट लैंग्वेज और प्रोसेसिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पाँच छो जनरेन्स के उसके बाद एग्जाम्पल्स तो दिस इज ऑल अबाउट फ्राम जनरेशन ऑफ इंप्रूट कुछ पॉइंट्स और मैं ऐड किए हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे फर्स्ट जनरेशन में क्या था वैक्यूम ट्यूब सेकंड में ट्रांसिस्टर फोर्थ थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट फोर्थ में वी एल एस सॉरी सी ऐसे गलती से आ गया सी नहीं है वी एल एस आई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो का को कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स तो फर्स्ट जनरेशन में थोड़ा सा इसमें ऐड किया था मेमोरी की बात की यहाँ पर मैंने फर्स्ट जनरेशन में फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब किसने इन्वेंट किया 1906 में माइक्रो वैक्यूम ट्यूब बनाया गया था और ये इसका साइंटिस्ट कोई प्रॉपर मेंशन नहीं है तो इसलिए पूछा भी नहीं जाता एग्जाम में मैग्नेटिक ड्रम जो है एज अ मेमोरी यूनिट मेमोरी यूनिट के लिए इस्तेमाल होती थी मैग्नेटिक ड्रम्स ठीक है और मशीन लैंग्वेज में बता चुका हूँ फाइशनिश सेकेंड जनरेशन में ट्रांसिस्टर यूज होते थे और ट्रांसिस्टर्स बेल लेबॉर्टरीज़ में बनाए गए तो हु इन्वेंट द ट्रांसिस्टर बेल लेबॉर्ट्री ने इन्वेंट किए थे बेल लेबॉर्ट्री ये पॉइंट पूछा जाता है और मैग्नेटिक टेप एज अ मेमोरी यूनिट इस्तेमाल होती थी लैंग्वेज कौन सी असेंबली लैंग्वेज ये पॉइंट आपको बता चुका हूँ थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ और एक दो पॉइंट ऐड किए हैं जैसे कि आई जो है इंटीग्रेटेड सर्कट्स आईसीस आई सी जो है वो किसने इन्वेंट किए किल एंड नोसे ने किलबी एंड नोर्स ने किल एंड नोस प्रोनाशिएशन इसकी क्या है कुछ पता नहीं किलबी एंड नोस ने इन्वेंट किए हैं ठीक है थीक? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी माइक्रो प्रोसेस माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था इंटेल फोर ज़ीरो ज़ीरो फ़ोर इंटेल फोर जीरो ज़ीरो फ़ोर ये टेड होफ ने इन्वेंट किया था विद अ टीम एक टीम थी उसका हेड टेड होफ था उन्होंने ये सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था जिसका नाम था जिसका नाम है इंटेल फोर डबल ज़ीरो फोर और फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट किसने लाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट लाया मैक कार तो फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भी यहाँ पर क्वेश्चन बनता है मैक जॉन मैक कार तो यहाँ पर ये जो मैंने पॉइंट्स रखे हैं ये इन पॉइंट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरेशन की अगर हम बात करें तो ये पॉइंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट जनरेशन में क्या है सेकेंड में क्या थर्ड में क्या और इनका जिसका साइंटिस्ट है तो वो याद रखना ट्रांसिस्टर बेल लेबॉट्री इंटीग्रेटेड सर्किट्स किलबियन नॉइस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉन मैकार थी माइक्रोप्रोसेस इंटल फोर डबल ज़ीरो फोर बाई टेड होफ एंड टीम तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं ये या आपको याद रखना एग्ज़ाम में इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं टाइम काफ़ी हो रहा है थोड़ा मुझे स्पीड में लेना पड़ेगा क्योंकि हिस्ट्री भी आपको थोड़ी सी देखनी है तो हिस्ट्री की जहाँ तक बात करें हम कंप्यूटर की हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहली जो डिवाइस जो है एक कैलकुलेटिंग डिवाइस सबसे पहली जो बनाएगी वो थी अबेकस अब तो इसका आपको याद रखना है अब अबेकस जो है अबेकस अब चाइना ने अबेकस अब को बनाया था तो अबेकस अब फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इसको हम कह मैकेनिकली अभी इलेक्ट्रिकल कम्प्यूटर्स नहीं बने थे ये एक कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जो सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन प्लस माइनस का काम करती थी मशीन ठीक है बैक सोलह सौ दो डेटे मोटी माटी याद रखना ऐसे सोलह सो दो सोलह सौ के लगभग फिर आगे चलते थोड़ा थोड़ा सा बढ़ते जाओ एग्जैक्टली उतना पूछा नहीं जाता डे टू से तो उसके बाद नैपियर्स बोन जो है जॉन नेपियर ने बनाई थी और इसमें थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर और इसका आपको क्या रखना याद रखना है कि होल्डिंग ये नाइन पॉइंट्स बोन से बनाई गई थी ये मशीन तो ये भी कैलकुलेटिंग ही करती थी इसका ये था कि ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स भी करना शुरू हो गई पहले एडिशन और सब्सट्रक्शन करती थी बेकर सॉरी मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पर होना शुरू हो गया था ठीक है उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेक्नोलॉजी जो कैलकुलेशन के लिए यूज़ की गई इसमें नेपियर्स बोन में उस टेक्नोलॉजी को रेबडोलोगिया कहा गया है रेबडोलोगिया पॉइंट याद रखना रेबडोलोगिया नेपियर्स बोन में रेबडोलोगिया उसके बाद पेस्कलाइन एडिंग मशीन जिसको हम कहते हैं पस्कलाइन इसको एडिंग मशीन भी कहा जाता है ये पूछा गया क्वेश्चन बहुत बार ब्लेस पास्कल ब्लेस पास्कल ने ये इन्वेंट की थी और इसको एडिंग मशीन कहते हैं पास्कल मशीन को तो सॉरी पैस्कलाइन को ठीक है उसके अलावा हम बात करें तो इसमें और ख़ास बात याद रखने की नहीं है जेकवाड लूम्स की बात करें जक्वाड लूम्स जो है ये मैरी जेकवाड ने इन्वेंट की और इसमें पंच कार्ड्स का इस्तेमाल हुआ था पंच कार्ड्स जो है सिंप्लीफाइड प्रोसेस इसमें भी खास टेक्सटाइल में ये यूज़ में आई उसके बाद अगर हम बात करें एनालिटिकल इंजन मैंने आपको बताया था चार्ल्स बेबेज ने दो ही मशीन्स बनाई हैं एक था डिफरेंस इंजन और दूसरा था एक था डिफरेंस इंजन दूसरा था एनालिटिकल इंजन डिफरेंस इंजन चार्ल्स वेबज ने 1822 में बनाया था वह एनलेटिकल इंजन चालीस पेबज ने अठारह में बनाया था ठीक है इसके एक और पॉइंट याद रखना है इसमें पैक्स और बैरल्स की यानी बैरल्स जो होती हैं इस तरह के स्ट्रक्चर्स पड़े हुए थे इसमें और इसमें जो स्टोरेज uh, जो है चालीस पेबज की मशीन में स्टोरेज का पर्पस भी थोड़ा सा था इसके अलावा अगर हम बात करें कोई खास इसमें अभी तक याद करने की चीज़ें नहीं है थोड़ा थोड़ा सा याद रखना कि नेपिय बोर किसने दिया और क्या खास चीज़ थी जैसे रेपडोलोगी आपको यहाँ बताया नेपियर स्पोन में पेस्कलाइन एडिंग मशीन कहते हैं और जैकॉल डूम्स जो है पंच कार्ड आ गया इलेक्ट्रिकल इंजन चार पेपर जिसने बनाया बैरल्स थे इसमें टेबलेटिंग मशीन किसने दी साइंटिस पूछा था टेबुलेटिंग मशीन जो है टैबलेटिंग मीन हारमन होल रहने की आपको ऐसे याद करें टेबल में होल टेबल में होल टेबलेटिंग मशीन होल रेत ने दी थी टेबल में होल तो ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रो मैकेनिकल मशीन्स इसको इसमें बहुत बहुत कंट्रोवर्सी है कि कौन सी इलेक्ट्रो मैकेनिकल मशीन है फर्स्ट तो ये इलेक्ट्रो मैकेनिकल यहाँ पर इसको कहा जा रहा है कि फर्स्ट इलेक्ट्रो मैके यानी आधा इलेक्ट्रिकल और आधा मैकेनिकल प्रोसेस से ही चलती थी इसके अलावा अगर हम बात करें मार्क वन इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट एनी एक यहाँ पर बात आती है यहाँ से फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर शुरू हो गए एनी एक एक जो है नाइनटीन इसकी डेट याद रख सकते हैं हम नाइनटीन फोर सिक्स उन्नीस सौ छतालीस में एनी एक -E आज़ादी से एक साल पहले एनी एक -E बना कंप्यूटर बना और इसको हम कह सकते हैं ये लिखा है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर तो ये आपने याद फ़र्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है एन ई ये किसने इन्वेंट किया एकर्ट एंड मोस्टली मैंने आगे लिखा आपको फिर से बताएंगे वेदर प्रडिक्शन ये एक सुपर कंप्यूटर था सुपर कंप्यूटर जो वेदर प्रडिक्शन के काम में लाया गया था इसके बाद एडसैक एडसैक जो किसने इन्वेंट किया था एडसैक वॉन जॉन वॉन न्यूमॉन जॉन न्यूमैन न्यूमैन आर्किटेक्चर कंप्यूटर भी इसने दिया है और ये बहुत सारे काम किए हैं जॉन न्यूमैन ने तो यहाँ एडसैक कंप्यूटर भी इसने बनाया था एडसैक में ये खास बात है कि स्टोरेज कैपेसिटी इसमें प्रोवाइड की गई थी फ़र्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज कैपेसिटी तो ये यहाँ इसकी फुल फॉर्म में आपको पता चल जाएगा उसके बाद यूनिवैक जो है फर्स्ट यूनिवर्सल डिजिटल कंप्यूटर जो है ये अब फर्स्ट जनरल पर्पस आपको पूछा जाए ना कि फ़र्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है तो वो यूनिवैक है अब आपको पूछा फर्स्ट डिजिट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है तो वो वो कौन सा है इनिएक है ठीक है ये फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इनएक लेकिन जनरल पर्पस के लिए नहीं था ये किसके लिए था वैदर प्रडिक्शन के लिए ठीक है लेकिन यूनी यूनिवैक जो है ये फ़र्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है ये आपको याद रखना है आई वी सेवन में बहुत सारे कंप्यूटर आ गए जिसमें पे रोल प्रोसेसिंग वगैरह भी देखने को मिलती है इसके अलावा हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि ये फुल फॉर्म्स याद रखें ये फर्स्ट जनरेशन के कुछ कंप्यूटर हैं एनी एक